हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, जिसमें कि चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम अभी देखेंगे डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दोनों में है फ़र्क। वो फ़र्क क्या है कि अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा होता है। जैसे कि बैंक है, हर 3 महीने में हमें इंटरेस्ट पे करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपाउंडेड एनुअली है, हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ हमें जो हमने पैसे जमा कर रखे हैं उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, वो एक सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल हर टाइम पीरियड के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कहीं ज़्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले में, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट अगले टाइम पीरियड में जुड़ करके, मान लिया कि 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है अगले टाइम पीरियड में, तो सेकेंड टाइम पीरियड के अंदर हमें 10 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट बना था पहले टाइम पीरियड का, उसका भी, उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, ये चीज़ होती है, ये होती है CI के अंदर, ब्याज पर ब्याज। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर सिर्फ जो मेन प्रिंसिपल होता है उसी पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब ये जो बात है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब आप इसको सम को देखेंगे, इसको करेंगे जब। तो मैंने लिया है कि जो प्रिंसिपल है 10,000, अगर मैं 10 लूँ 100 लूँ तो ये बहुत कम हो जाता है, तो डिफरेंस अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ले रहा हूँ 10,000 की अमाउंट। रेट है वो है 5% पर एनम, टाइम है पहले हम निकालेंगे 1 साल के लिए, फिर निकालेंगे 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए और फिर 4 साल के लिए। इन 4 सालों का हम डिफरेंस देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है हमें 4 सालों के अंदर वो, और इसी तरीके से SI के अंदर भी देखेंगे। तो ये टेबल मैंने और बनाई है, ये CI के लिए होगी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इसी प्रकार से ये SI के लिए। अब ये दोनों ही वैल्यूज अलग अलग सालों में, यानी पहले साल में CI कितना मिलेगा, दूसरे साल में CI कितना मिलेगा, तीसरे साल में CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा और चौथे साल में कितना, इसी प्रकार से हम SI का भी देखेंगे कि कितना मिलता है हर साल। क्लियर हो गया ये? तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रिंसिपल, P इज इक्वल टू ₹10,000, ठीक है। रेट है 5% पर एनम, मतलब यही चीज़ हम ले लेते हैं। इसके बाद जो फार्मूला होगा CI के लिए, पहले आपको अमाउंट निकालनी होती है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट का फार्मूला होगा P मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 power T फॉर 1 ईयर। अगर हम टाइम अभी यहाँ पर फिलहाल 1 साल का लें तो फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। P की जगह आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100, R 5 है, बाय में 100। और power T 1 ही है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको 1 को हम लिख सकते हैं 100/100,
ओके अब 100 बाय 100 करने के बाद 1 का मतलब हुआ 100 बाय 100 डेनोमिनेटर बराबर है न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं हम तो मिलता है हमें 10,000 मल्टीप्लाई 105 बाय में 100 ओके अब दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और आपको मिलेगा इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई और दो जीरो पीछे लग जाएगी इसके 105 और फिर 00 10,500 अमाउंट मिलेगी इंटरेस्ट जोड़ करके ओके ये अमाउंट मिल गई अब हमें निकालना है सीआई तो सीआई इजगल टू होता है ए माइनस में पी अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल 10,500 मिलती है हमें अमाउंट इसमें से 10,000 जो प्रिंसिपल था जो उधार लिया गया था पैसे वो माइनस कर दिया 500 रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा तो ये था सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए राइट तो यहाँ पर हम इसको फील कर देते हैं फॉर टाइम वन ईयर के लिए सीआई हमारा निकला है 500 रुपी अब बारी है एसआई की एसआई के लिए फार्मूला क्या होता है एसआई के लिए फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100 यही चीज़ रखेंगे हम और फिर ये जो चीज़ है एस आई इजिकल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ये फार्मूला होता है इसका ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं पी की जगह आ जाएगा 10,000 रुपी आर की जगह आ जाएगा 5 टी की जगह आ जाएगा 1 क्योंकि साल हमने एक पहला ही लिया अभी ठीक है अब आपने ये पूछा है हमें अगर समझना है ना ये अच्छे से तो ये सारी कैलकुलेशन वगैरह आपको करनी पड़ेगी ये अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा स्किप मत कीजिएगा स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ठीक है तो फिर वही चीज़ करेंगे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं एसआई के केस में एसआई इजिकल टू जो वैल्यूज थी पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100 पी 10,000 आर 5 था टाइम एक साल पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100 दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और यहाँ पर भी हमें जो एसआई है 500 ही मिलता है मतलब पहले साल के लिए पहले टाइम पीरियड के लिए इसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि पहले साल के लिए या फिर कह लेते हैं पहले टाइम पीरियड के लिए चाहे वो 3 महीने हो चाहे कैसे भी हो तो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर मिलते हैं सेम मिलते हैं आगे जब नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा उसके अंदर इन दोनों में फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर भी इतना ही आया है रुपीज़ 500 और इधर भी हमारे पास रुपीज़ 500 ही आया है राइट ये भी हम इसमें फील कर देते हैं 500 रुपीज़ अब नेक्स्ट हमें निकालना है अगले साल के लिए इसी तरीके से यहाँ पर भी अगले साल के लिए हमने ये वैल्यूज सारी बदल देनी है सारी तो नहीं बदलेंगे सिर्फ टाइम ही बदलेगा जहाँ वन ईयर है वहाँ पर ये हो जाएगा टू ईयर्स इसी तरीके से ये वाली वैल्यू इधर भी हम रखेंगे ओके
अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 साल के लिए। फार्मूला हमारा यही रहेगा, राइट। ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 + r/100 power t। टी यहाँ पर इस बार 2 हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमने ये किया था सॉल्यूशन सारा यहाँ तक का, ये लीजिए। जो बदलाव होगा वो हम इसमें बदलाव कर देंगे। तो वही चीज़ें की है हमने। पावर 2 था, यहाँ पे पावर 2 कर दिया। आर की वैल्यू 5/100, आर की वैल्यू 5 हो गई, जो ऊपर किया था वही चीज़, बस पावर 2 यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 को 100/100 लिख दिया और ये 100 + 5 105 हो गया। ऐसा इसलिए किया ताकि डेनोमिनेटर दोनों के बराबर हो जाए, ओके। जैसे आपने पहले इसमें समझा था वही चीज़ हमने यहाँ की है। दोबारा रिपीट करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ये रिपीटेशन नहीं किया। आप ने अच्छे से देखा है वीडियो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको 2 बार लिखा जाएगा 105/100 को, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिला हुआ है 10,000। मल्टीप्लाई में 105/100 2 बार। अब आप कहेंगे कि सर इसको आपने काटा क्यों नहीं। नहीं काटते अभी, ना काटने का कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि अगर इसको अभी काट देंगे ना तो फिर डेनोमिनेटर में दिक्कत आएगी भाई। उतने ही डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे अगर 100 100 कुछ बचा हुआ है तो। अगर नीचे बच गया 20 या फिर 5 तो फिर डिवाइड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको पहले नहीं काट रहा हूँ। मैं नीचे की 0 तभी काटूँगा जब ऊपर भी 0 बराबर में कट रही हो। तो यहाँ अभी तो फ़िलहाल कट रही है, 2 0 से ये 2 0 कट गई और इस 2 0 से ये वाली 2 0 कट गई। 105 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 5 5 25 5 5 0 होने की वजह से डिक्टो मैंने लिख दिया। 1 0 है इसलिए मैं 3 बार 0 लिखने की बजाय सीधा 2 क्रॉस लगा देता हूँ, 5 0 1 2 5 5 5 10 1। कोशिश कीजिए जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो कैरी या बोरो जो भी आप करें उसके केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि इसको गोले लगा करके इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों के अंदर ताकि गलती ना हो। तो 1 + 0 1 1 1 0 2 5 अभी ये आ रहे हैं 1 1 0 2 5, ये अमाउंट आई है दूसरे साल के अंदर। अब CI निकालेंगे, CI का फार्मूला फिर वही रहेगा, ये वाली चीज़ें। बस जो अमाउंट है वो 10,500 आई थी पहले साल, अभी आ रही है 11,025। तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे 11,025। इसमें इसको माइनस करेंगे हमें मिलेगा 1,025। ये आया है CI दूसरे साल के, 2 सालों का। दूसरे साल का क्या है वो नहीं है, ये 2 सालों का मिला करके है 1,025। 1 साल का 500, 2 साल का 1,025, ठीक है। अब SI कितना आता है 2 सालों का वो निकालते हैं। चीज़ें सारी वही रहेगी, फार्मूला यही है, बस जो टाइम है वो बदल जाएगा। 1 की बजाय टाइम आ जाएगा 2 साल का,
ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 टाइम, ये है फार्मूला SI का, जहाँ पी था वहाँ 10,000 रखा, जहाँ आर था वहाँ 5 रखा, जहाँ टी था पहले रखा था 1, अभी रख रहे हैं यहाँ पे 2, ओके। अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आता है, 10,000 पी इंटू आर इंटू टी, टी है 2, बाय में 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 2 5 10 और 100 ये है, 10 × 100 1000 आ गया। ओके, 1000 वैल्यू आ चुकी है, इज इक्वल टू रुपीज 1000। अब ये फील कर देते हैं यहाँ पर, देखिए जो पहले साल, अब इनमें डिफरेंस कर देते हैं अभी, बाकी तीसरे में आप निकालना चाहें तो तीसरे में निकाल लेंगे। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, पहले साल जो CI था वो था 500 रुपीज़, और SI था वो भी 500 रुपीज़ है। दूसरे साल हमारा जो CI है वो कितना आया, मतलब पहले साल का उसमें हम जोड़ेंगे नहीं, दूसरे साल के लिए दो सालों में से पहले साल वाला माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट लगा, 525, और यहाँ पर कितना आया था, दो सालों का आया 1000 रुपये, इसमें से पहले साल का 500 माइनस कर दिया तो दूसरे साल का आ गया 500 रुपीज़। देखिए अभी 25 रुपये फालतू आ रहे हैं ना फालतू, तो ये है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब जो अगले साल 500 रुपये जोड़ करके जो अमाउंट बनी 10,500, तो 10,500 के ऊपर इंटरेस्ट लगा, 10,500 के ऊपर ब्याज लगा, और फिर वो ये 25 रुपये फालतू उसका है जो 500 एक्स्ट्रा इसमें जुड़े हैं अगले साल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर पहले साल भी 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा था और 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला पहले साल, और दूसरे साल के अंदर भी यही चीज़ हुई कि जो इंटरेस्ट लगा है वो 10,000 पे लगा है, 10,500 के ऊपर नहीं। यानी कि जो SI आया था पहले साल वो SI इसके अंदर 10,000 में नहीं जुड़ा, 10,500 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा, तब भी प्रिंसिपल सेम ही रहा था। लेकिन दूसरे केस में, यानी कि जो SCI के केस में जो प्रिंसिपल दूसरे साल बदल गया, अमाउंट जो पहले साल आई थी वो दूसरे साल के अंदर बना प्रिंसिपल, क्लियर हुआ आपको ये बात। इसी तरीके से आगे के भी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, एक और कर देता हूँ, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, फिर भी एक साल और का निकाल लेते हैं, मतलब अभी हम निकालेंगे तीसरे साल का। ओके, तो फिर CI निकालते हैं तीसरे साल के लिए। प्रिंसिपल वगैरह सारी वही रहेगी, बस जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर से बदल करके 3 ईयर हो जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे SI के केस में, ठीक है। तो फिर पहले निकालते हैं अमाउंट तीसरे साल के अंदर जो क्या मिलेगी, 3 साल ख़त्म होने के बाद। अमाउंट इजिकल टू फार्मूला फिर से वही होगा, ये वाला फार्मूला, ये सारी मैं ले लेता हूँ ये वाला, और साथ में ये भी ले लेता हूँ। जो बदलाव होंगे वो आप देखिए और समझिए कि क्या बदलाव हुए। बदलाव के अंदर यहाँ पर फार्मूला सेम है, यहाँ 2 की बजाय लग जाएगा 3, और इसी तरह से यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी जो है 3 लग जाएगा, राइट। और ये भी पावर में आएगा,
और जो 105 है ये एक बार और आ जाएगा, क्योंकि अभी पावर 3 हो गया ना, इसलिए तीन बार आ गया ये। अब इसकी कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे दूसरी बार किया, कहाँ गया इसका, इसका मैंने पेस्ट करना ध्यान नहीं रहा शायद, या इसका भी पेस्ट कर देते हैं। अब तीन सालों का निकालें तो क्या होगा, यहाँ पर एक बार और आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करेंगे जब 105/100 एक बार और आ जाएगा। अब जीरो तो सारी ख़त्म हो गई है ना, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, एक बार ये तीन बार आ गया 105/100, 105/100 और 105/100, ठीक है ना। एक बार इसको यहाँ रख देते हैं, तो अभी आप इसी की तरफ ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और 105 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11025 को, खिचड़ी सी पक्की ना, दूसरे में करते हैं। तो ये हो गया, और अब ये 105 को 105 से किया था तो हमें मिला था 11025, और फिर इसको दोबारा से 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 5 2 5 2 10 5 2 10 10 2 12 1 5 0 0 0 1 1 5 1 5 and 5 1 5। जीरो के लिए मैंने एक क्रॉस फालतू लगा दिया, अब वन के लिए ये वैसे की वैसे ही लिख देंगे 5 2 0 1 and 1 5 2 5 1 6 5 2 7 5 and 1 1। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर ऊपर ये जो न्यूमरेटर में आएगी, यहाँ आ गई, और डिवाइड में इसके है 100, क्योंकि ऊपर तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी इसकी और इसकी, और नीचे बचा सिर्फ 100, तो दो डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, राइट, यहाँ पे डेसिमल लग गया ये, और ये मिला हमें 11576.25। ये सारी कैलकुलेशन है, ये हम लिख लेंगे वहाँ पर, ये अमाउंट आ गई तीन सालों की। अब हमें निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, फार्मूला फिर वही रहेगा, वैल्यूज बदल जाएगी, सिर्फ किसकी बदलेगी वैल्यू, वैल्यू बदलेगी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या होगा, 11576 में से 11576.25 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये 1576.25 आ जाएगा। ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, तीसरे साल के अंदर। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए इसमें भी बदलाव आया है, सेम नहीं आया, और ये देखिए ये 500 आई थी, इसमें 500 फिर जोड़ी तो 1000 आ गई, अब अगले में 1500 आएगी सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करें तो देखिए क्या आता है, फार्मूला हमारा वही है, 2 की बजाय बस यहाँ पर आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर मिलेगा आपको दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, ये कट गई ये वाली दो जीरो से, और 5 15 और पीछे वाली दो जीरो यहाँ लग करके कैलकुलेशन करेंगे 1500 आ रही है,
सिंपल इंटरेस्ट 1500 आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको अमाउंट निकालनी पड़ती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही डायरेक्टली निकल जाता है, तो यहाँ आया 1500। होप सो आपको अच्छे से अब तो क्लियर हो गया होगा दोनों में फ़र्क कितना है। सिंपल इंटरेस्ट पर मिलता है ब्याज पर ब्याज, जो तीसरे साल के अंदर प्रिंसिपल बना था वो दो सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो जुड़ करके अमाउंट बनी, यानी कि इसके अंदर जो अमाउंट बनी वो बनी दूसरे साल के अंदर, जो हमारी अमाउंट आई थी वो प्रिंसिपल बना तीसरे साल के अंदर। कहने का मतलब है कि 11,025 रुपी ये था, और तीसरे साल के अंदर जो प्रिंसिपल बना वो ये 11,025 रुपी बना। क्लियर हुआ? तो तीसरे साल के अंदर ब्याज पर ब्याज मिला, पहले साल जितना 500 रुपये हुआ, दूसरे साल 525 रुपये हुआ, तो 525 पर भी ब्याज मिला, और फिर वो आपके सामने आया इस तरीके से। तो ये 1576 रुपये 25 पैसे आया, और यहाँ पर 1500 रुपये, तो यहाँ पर 76 रुपये 25 पैसे ज़्यादा मिला है इंटरेस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो यहाँ पर तीसरे साल के अंदर जो इंटरेस्ट मिला उसमें क्या हुआ, 1576.25 माइनस में, माइनस करेंगे इसके अंदर से 1025, पिछले दो सालों का माइनस कर दिया, और हमें मिलता है 551.25। ओके, तो इसमें देखिए पहले साल मिला 500 रुपये, दूसरे साल 500 रुपये जो जुड़ गया दूसरे साल के अंदर उस पर भी इंटरेस्ट मिला, तो 525 रुपये हो गया। फिर 525 जुड़ करके, यानी कि 1025 रुपये जुड़ करके 10,000 के अंदर, तो 11,025 रुपये के ऊपर है ना, 11,025 रुपये के ऊपर वो बन गया था प्रिंसिपल, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो फिर 551.25 पैसे तीसरे साल के अंदर मिला। टोटल जो है तीन सालों के अंदर 1576.25 पैसे इंटरेस्ट मिला है, जबकि यहाँ पर ये चीज़ वही रह रही है, यहाँ पर 1500 आया। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर नहीं ब्याज पर ब्याज मिलता, बार बार एक ही बात कही जा रही है आपको, नहीं ब्याज पर ब्याज मिलता। इसके अंदर से इसको माइनस करें तो फिर आपको वही आपको मिलता है जो पिछले साल के अंदर था, ये 1000 रुपी दो सालों का माइनस कर दिया, तो ये तीसरे साल के अंदर भी 500 रुपये ही इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं है। देख रहे हो फ़र्क तीनों के अंदर? मैंने चौथा साल का भी सोचा था कि भाई ये कराने की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत पड़ेगी। आपको अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, मैंने इस तरीके से भी निकाल दिया, मैंने निकाल दिया कि भाई तीन सालों का, पहले साल का 500 रुपये ऐसा ही सेम रहेगा, दूसरे साल का 1025 रुपीज़ दो सालों का, और ये 1000 रुपी है, यहाँ पे तीन सालों का 1576.25 पैसे आया है, और ये 1500 ही है। यहाँ पर एक अमाउंट प्लस होती चली जा रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, और ये इंडिविजुअल ईयर्स का है। पहले साल 500 रुपये, दूसरे साल जो मिलेगा 525 रुपये पर, मतलब 525 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 551.25 पैसे है। लेकिन एसआई के केस में ये सेम टू सेम है, 500 500 500, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ब्याज पर ब्याज है, तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इसलिए बैंकों में जो पैसे जमा किए जाते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कोई भी नहीं उसके अंदर जमा करता, उस पर जमा करता जिस पर हर तीन महीने के अंदर है। अब तो एक बैंक आया है जो कहता है कि भाई हर महीने वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड करेगा, मतलब एक महीना होने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट का, अगले महीने जो जुड़ गया है एक महीने का भी इंटरेस्ट जुड़ गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे केस में ज़्यादा अमाउंट हमें हमारी इकट्ठी होती है बैंकों के अंदर, तो वहाँ पे हर महीने जुड़ता है, यहाँ पे हर साल जुड़ रहा है, तो जितना कम टाइम पीरियड होगा कि भाई ये जुड़ने का उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
उसको जिसने पैसे दिए हैं या जमा किए हैं। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ऐसे ही कोई जो बेसिक मैथ, और अभी तो मैं आपको करवा रहा हूँ एलिमेंट्स। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहिएगा, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि भाई ये भी बना दें वो भी बना दें, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ कहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।